शाहपुर में सप्ताह भर से चली आ रही श्रीमद् भागवत कथा का मंगल में विश्राम हर्ष के साथ संपन्न हुआ। आज नगर शाहपुर के गणेश चौक पर कथावाचक व्यासपीठ के माध्यम से पंडित अखिलेश परसाई कथा आयोजक जुगलाल प्रजापति शाहपुर के द्वारा भगवान की भक्ति का स्वरूप जो विगत 6 दिनों से नगर के भक्तों और नागरिकों का वह आनंद की अनुभूति प्रदान कर रही थी, आज उस भागवत कथा का विश्राम मंगलमय हर्ष में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पंडित अखिलेश परसाई कथावाचक ने बताया कि आत्मा और परमात्मा की है कथा सभी भगवान की अलौकिक शक्ति है और इस कथा का आज सुदामा जी और भगवान कृष्ण की सुंदर दोस्ती का दृश्य प्रस्तुत करते हुए पत्रकारों का सम्मान साथ में सहयोगकर्ताओं का सम्मान करते हुए पूजन आरती के पश्चात भंडारा प्रसादी का वितरण संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ नागरिक गणमान्य नागरिक माताएं बहने सभी उम्र के भक्तगण शामिल हुए। इस शुभ अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य गंगाबाई उइके कथा में पहुंची। इस अवसर पर पूर्व विधायक मंगल सिंह ध्रुवे घोड़ा डोंगरी विधानसभा, विशाल सिंह ठाकुर पूर्व जनपद उपाध्यक्ष शाहपुर, नगर अध्यक्ष रोहित विक्के नायक नगर परिषद शाहपुर ने भी कथा में पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद और पुण्य लाभ प्राप्त किया और पंडित अखिलेश परसाई ने बताया कि उनकी यही श्रीमद् भागवत कथा शाहपुर नगर के स्टाफ क्वार्टर में 27 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कथा में अवश्य पधारे और कथा का पुण्य लाभ अवश्य उठाए। और इसी अवसर पर पंडित अखिलेश परसाई के द्वारा भागवत कथा में सहयोग करने वाले सभी साथियों का सम्मान हर्ष के साथ किया गया। हम उनसे बस इतना ही कहेंगे, प्रभु मत जाओ, ऐसा कुछ करो कि जीवन से आपकी ये भक्ति, ये प्रेम, ये सत्संग छूटे ना। ये जीवन, ये श्वास जब तक रहे आपका प्यार जीवन में बना रहे, आपका नाम जीवन में बना रहे। भगवान ने जहाँ जहाँ जो जो मेरा क्या नाम है भाई साहब आपका? कमलेश कुमार राठौर। क्या करते हैं आप? साउंड ऑपरेटिंग। अच्छा, ये भागवत गीता में आप ही का साउंड था जुगलाल प्रजापति जी के यहाँ? जी। तो कैसा लगा आपको 7 दिनों में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने भक्ति में आनंद में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आनंद ही आनंद। जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम देवाचार्य जी। कहाँ से आए हैं? तो वैसे आमला में रहता हूँ, पर कभी कभी वृंदावन हरिद्वार में रहने का होता है। आपने भागवत कथा में 7 दिन समापन था, हमने प्रतिदिन आपको बहुत सुंदर बजाते हुए देखा, तो ये आपने कहाँ से सीखा और इस सुंदर कला के पीछे क्या है बताएंगे? ये तो सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद है और घर में जो हमारे घर का माहौल है ऐसा क्रिएट है। जो मैं ऐसे आश्रम में रहा हूँ 6 साल, तो फिर वहाँ गुरु कृपा से सीखे हैं और वैसे संतों के, महात्माओं के, ब्राह्मणों के कथाओं में जाकर भगवान की कृपा है, बस और कुछ नहीं। आपको हमारे नगर से आपको कैसा लगा? अरे बड़ा प्यारा लगा। शुरू दिन से बहुत सारी ऐसी जनता आती थी कि बड़ा आनंद हो जाता था, गदगद लगता था और उसके बाद में बड़ा मजा, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। इधर ही ला दो, सबके लिए, सबके लिए गरम पानी ला दो। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हरिओम मीणा है, मैं नसुलगंज क्षेत्र का हूँ। कहाँ रहते हैं आप? जी मेरा गांव का नाम कुमनताल है और तहसील मेरी नसुलगंज, जिला सीहोर से हूँ मैं। अच्छा, तो आज आपने हमारे ग्राम शाहपुर में जी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में जो सहयोग प्रदान किया, शायद मेरे ख्याल से आप वीडियो कैमरा वगैरह कुछ चला रहे थे? जी मेरा काम वीडियोग्राफी का है, मेरी हरि दर्शन चैनल है यूट्यूब पे, मैं उस पर भागवत, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सारे धार्मिक कार्यों को उस पर सीधा प्रसारण करता हूँ, यही मेरा कार्य है। आपको शाहपुर में 7 दिन कैसा लगा? मुझे शाहपुर में बहुत आनंद आया, 7 दिन एक परिवार के जैसा मुझे रहने को मिला। जी जी। बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मैं इस ग्राम में आया, इस शाहपुर में मुझे बहुत आनंद मिला, एक परिवार की तरह बहुत प्रेम मिला। जी मेरा अगला प्रोग्राम वृंदावन में है, हमारे कृष्ण प्रिय जी महाराज हैं, उनकी आगामी कथाएं वृंदावन में है और भी हमारी कथाएं उड़ीसा में हैं, वहाँ पर भी जगन्नाथपुरी में हमारी कथाएं, वहाँ भी जाना है और आगामी बद्रीनाथ में भी है, वहाँ पर भी हमें जाना है। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे जी। जय सर पकड़ेंगे आप।
भागवत कथा का अंतिम दिन था। आज श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग में आज विश्राम दिवस में भगवान की बड़ी कृपा रही कि बड़े उत्साह के साथ समस्त नगरवासी एवं प्रजापति परिवार के द्वारा विशाल भंडारे के साथ भगवान की इस भागवत का समापन आज हुआ। प्रसंग में आज भगवान इस भागवत कथा के माध्यम से अपने धराधाम को वापस गए, लेकिन सप्तम दिवस का जो सार है वो भगवान ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह करके गए हैं कि जीवन में मृत्यु यदि होती है तो शरीर की होती है, आत्मा कभी मरती नहीं। इसलिए अगर अमरता चाहिए तो आत्मा को प्रबल करना है, और आत्मा को प्रबल करने के लिए परमात्मा ही एक साधन है जो भागवत के माध्यम से 7 दिन के लिए हमें प्राप्त हुआ। आज परीक्षित मोक्ष के साथ भगवान की इस कथा का मंगल में विश्राम हुआ, और जिसके अंतर्गत हमने सुदामा चरित्र और साथ में भगवान के 16108 विवाह की चर्चा इस कथा प्रसंग में की। सभी ने बढ़ चढ़ कर इस कथा में सहयोग किया, इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। और ऐसी प्रार्थना भगवान से है कि जहाँ भी ऐसी कुछ कथा सत्संग हो सभी वहाँ उपस्थित रहें, भगवान की इस दिव्य कथा लीला का आनंद लेते रहें। देखिए आपको 7 दिन में कैसा अनुभव हुआ अभी यहाँ पर कथा करके? देखिए भगवान की कथा तो ऐसी है कि जहाँ परमात्मा विराज जाते हैं वहाँ परम आनंद अपने आप आ जाता है। और भक्त लोग कैसे लगे? भक्तों की भक्ति इस नगर में ऐसी गंगा बही है भक्तों के उस प्रेम की कि शायद ही मैं समझता हूँ मीडिया के प्रचार से और सोशल मीडिया कह लें पत्रकारिता आप सभी के सहयोग से ये कथा जन जन तक जो पहुँची है, तो इस धारा को आपके माध्यम से जन जन तक जो पहुँचाया है उस धारा में जो अमृत घुला उस अमृत का रस रसास्वादन हम ही नहीं पूरा नगर कर रहा है। आपने पत्रकारों का सम्मान भी किया सुना? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जो है ये कथा जो यहीं तक सीमित थी परंतु पत्रकारों के और सोशल मीडिया के माध्यम से उन बंधुओं ने इस कथा को जन जन के कानों तक पहुंचा दिया, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। आगामी कथा 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक शाहपुर में ही स्टाफ क्वार्टर में शिव मंदिर डैम के पास संपन्न होने जा रही है, और वह भी ऐसा ही भव्य आयोजन है। तो सभी से निवेदन करते हैं और समिति के माध्यम से भी और मैं अपनी तरफ से भी ये आग्रह करता हूँ कि सभी भक्त जैसे यहाँ पर उन्होंने दिव्य आनंद को प्राप्त किया वैसे ही उस कथा में सभी पधारें और उस दिव्य आनंद को प्राप्त करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय हो माई की।